स्लाइड ब्रेक में से धुआं निकलने लग गया। दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिमला एंड आज व्यू दिखाते हैं आपको। तो भाई मॉर्निंग का कुछ ऐसा व्यू है, सीनिक व्यू, धूप निकल गई है एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 7। तो आज प्लान ये है कि आज हम निकल रहे हैं यहाँ से मनाली के लिए एंड 7 घंटे का रास्ता दिखा रहा है शिमला से मनाली। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि सारे पहाड़ों के बीच में हम राइड करने वाले हैं। एंड अगर मैं कल की बात करूँ तो भाई कल तो बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड आए एंड खाना वाना खाया, पंकज भाई का बर्थडे था तो सेलिब्रेट करा एंड उसके बाद सीधा सो गए हैं, अभी उठे हैं। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं अपनी बाइक की चेन क्लीन एंड लूप करने एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं मनाली की तरफ। तो स्टे कनेक्टेड भाई। देखो यहाँ पे पंकज भाई हमारे बेचारे हेलमेट वगैरह साफ कर रहे हैं सारे के सारे। तो भाई बहुत मेहनत लगती है यार राइड पे एंड एक सब्सक्राइब करना तो बनता है यार उसके बिहाफ पे, राइट। तो रेडी होते हैं फिर मिलते हैं आपसे भाई। ये देखो चेन लूप का सामान और नीचे चेन लूप करने। दोस्तों बाइकिंग सीम्स वेरी फैसिनेटिंग बट उसके साथ साथ ये भी करना होता है। तो अभी हम फिलहाल इसकी चेन लूप कर रहे हैं और बहुत बुरी हालत है चेन की, आप देख सकते हो कितनी साफ है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग हो गया डन एंड सामान भी उधर अभी सारा पैक हो गया है, चैन भी लिव हो गई है, बाइक भी क्लीन हो गई है। अब बस सामान को बांधना है बाइक पे एंड उसके बाद निकलते हैं मनाली के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज यार आई हैव नेवर बीन टू मनाली एंड पहली बार होने वाला है कि भाई मनाली जा रहे हैं, बहुत सुना उसके बारे में एंड देखते हैं कैसा रहता है। तो अब मिलते हैं सीधा मोटर ब्लॉग सेटअप पे। सो दोस्तों ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन, बाइक कोल स्टार्ट भी हो गया है, यहाँ से निकलते हैं मनाली। 237 किलोमीटर दिखा रहा है और टाइम दिखा रहा है 6:30 घंटे का। देखो आई थिंक उससे ज़्यादा ही लगेगा क्योंकि यार आराम से जाएंगे मेमोरी कैप्चर करते हुए एंड थोड़ा सा कोल्ड हो गया तो बैठते हैं। विशाल भाई निकले, चलो ठीक है निकलते हैं, आ जाओ भाई। तो दोस्तों ये था कुछ शिमला, ये हमारी राइड का पार्ट था, ज़्यादा घूमे नहीं हम यहाँ पे क्योंकि मेन फोकस हमारा मनाली है। यहाँ पे तो हम एक कहते हैं ना एक क्या कहते हैं उसको बेस कैंप कह सकते हो आपको, क्योंकि मनाली जाना डायरेक्टली हमारे को ठीक नहीं लग रहा था, काफ़ी दूर था एंड फिर यार बस चलाए जाओ। तो हमको चाहिए भाई मज़ा भी आना चाहिए, इसलिए हम पहले शिमला है अब सीधा मनाली जा रहे हैं। बाइक का फ़ायदा है भाई ये, यहाँ से ओवरटेक कर सकते हैं आराम से, बहुत जगह हो जाती है, वरना गाड़ी में तो भाई बस तुम खड़े रहो और खड़े ही रहो। काफ़ी जाम है, ऐसा लग रहा है सारे के सारे एक साथ ही निकल रहे हैं और ये हमारा छोटा सा फ़ोन भी ऑन हो गया। तो यार फाइनली ट्रैफिक से तो निकल गए हैं एंड बाइक का फ़ायदा यही है यार, ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा यू नो सहूलियत हो जाती है क्योंकि ट्रैफिक से आप आराम से बच जाते हो। तो 6:51 दिखा रहे हैं मनाली यहाँ से, हम कोशिश करेंगे आराम से पहुँच जाएँ। यार पहाड़ों में आ गए ना, मतलब जो मज़ा आता है क्या ही बताऊँ। दोस्तों शिमला से हम निकल चुके हैं एंड अभी फ़िलहाल मनाली की तरफ जा रहे हैं एंड आप रोड देखो कितना प्यारा है, ऐसा लग रहा है अभी मतलब रिसेंटली नया रोड बनाया गया है तो बहुत प्यारा है। एंड अगर मैं ट्रैफिक की बात करूँ तो बहुत कम ट्रैफिक है, सीम्स लोग आ ही नहीं रहे यहाँ पे इस रोड पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये सामने एक दो ट्रक जा रहा है और हम ही हैं बाइकर्स, बाकी कोई नहीं है, बट यार मज़ा बहुत आ रहा है इस रोड पे। वाओ दैट्स नाइस। तो अब कुछ खाते हैं एंड फिर उसके बाद निकलते हैं। एंड भाई ये कुछ खाना है हमारा सिंपल खाना, बढ़िया खाना, और ये भैया ने खीर दिया हमारे को, पहाड़ों की कुछ स्पेशल होगी ऐसी कुछ खीर है। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट भी हो गया है हमारा अच्छे वाला, अब निकलते हैं हम मनाली के लिए और टाइम फिर से बढ़ गया है, ये दिखा रहा है 5:23 एंड 190 किलोमीटर दूर है यहाँ से, विच आई फील दैट हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा लग रहा है ज़्यादा ही थोड़ी ओवर रेटिंग कर ली है, कुछ भी कहो मज़ा आया शिमला में भी
एंड एक मेमोरी हमने ऐड कर ली है शिमला जाने के वाली। तो भैया माउंटेन्स की रेंज देखो सामने, क्या तो मस्त है भाई। दोस्तों नज़ारे देखो ज़रा, वाह पेड़, सुंदर पेड़ नज़ारे, एक नंबर भाई, मज़ा आ जाता है यार चला के राइड कर कर। बिल्कुल शहर से दूर, ना नॉइस ना पोल्यूशन, कुछ भी नहीं। यार ये पता नहीं जाम क्यों लग रहा है इतना सारा, देखो गूगल मैप में बिल्कुल रेड रेड दिख रहा है भाई सब कुछ, लेकिन थोड़ा बाइक का बेनिफिट है कि साइड से हम निकल जा रहे हैं बिना किसी दिक्कत के। तो दोस्तों फ़िलहाल अभी हम हैं सुंदर नगर, द हार्ट ऑफ हिमाचल, एंड यहाँ पर अभी मोदी जी की विजिट थी, दैट इज़ वाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम था, बहुत ज़्यादा। एंड हमने पीछे नोटिस करा था कि कुछ हेलीपैड्स में मतलब बहुत सारे हेलीपैड्स निकले थे, तो मे बी मोस्ट प्रोबली वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के होंगे। तो दोस्तों फाइनली जाम हो गया है ख़त्म, मतलब यार फाइनली जाम से निकल गए अपनी मनाली, और भाई देखो यार क्या व्यू है, कितना प्यारा। दोस्तों देखो यार क्या तो व्यू दिख रहा है, बिल्कुल खुला खुला, और रोड जा रहा है भाई बिल्कुल स्ट्रेट, बहुत ही प्यारा व्यू। दोस्तों लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल भाई, आज से अगर 2 साल पहले की बात करूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बाइक से मनाली वगैरह ट्रैवल करूंगा, क्योंकि यार मुझे कुछ इतना शौक नहीं था, लेकिन चीज़ें कुछ ऐसी हुई कि भाई हम बाइकर बन गए, अब ये घूम रहे हैं, और यार देखो क्या नज़ारे हैं। और यहाँ पे हुई है लैंडस्लाइड, बहुत बड़े बड़े पत्थर भाई देख रहे हो, भाई डर लग रहा है यहाँ तो। ओ भाई ब्लॉगिंग बाद में, पहले जान प्यारी है भाई। भाई क्या दुनिया है भाई क्या व्यू है मैन, दिस इज अमेजिंग यार। वो ऐसा तो वॉलपेपर देखते थे बस भाई रोड्स की कंडीशन हो गई है टेरिबल राइट नाउ, एंड भाई बस जिसी तरह भगा रहे हम निकाल रहे हैं। रोडों की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, हमारे पिलियन को मसाज मिल गई है थोड़ी, कोई बात नहीं भाई, यू कैन पे मी लेटर ऑन। मतलब यार हर टर्न के बाद ना अलग ही ब्यूटी है। वाह दोस्तों व्यू देखो, व्यू सो ब्यूटीफुल यार। तो दोस्तों ये है एक डैम, OMG दिस इज सो ब्यूटीफुल यार। तो दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पे भी टनल का काम चल रहा है, वाह यार पूरा माउंटेन्स काट के जो टनल बन रही है, वाह देखो यार ऐसे टनल बनती है ये व्यू सिर्फ वीडियोस में देखा था, आज रियलिटी में भी देख रहे हैं भाई, रियल में कुछ और ही है सच में यार। तो पूरी शाम हो गई है हमारे को, चांद भी निकल आया है यही होता है जब आप दोस्तों के साथ निकलते हो घूमने, टाइम का पता ही नहीं लगता भाई, यहाँ फोटो खींचो वहाँ फोटो खींचो और टाइम चले जाता है, लेकिन मज़ा भी उसी चीज़ में आता है। अब हम आए भगाते हुए डेस्टिनेशन पे पहुँच भी जाए तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि दोस्तों मंजिल से ज़्यादा सफ़र खूबसूरत होता है। मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा मैं कैमरा ऑफ करूँ लिटरली क्योंकि हर एक व्यू इतना ब्यूटीफुल है ना, सो आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू ऑल। तो दोस्तों टनल आ गई है और यार हम पहाड़ के अंदर है माई गॉड यार कैसे बनाई होगी, मतलब इंसेन लग रही है बिल्कुल ही। चलो विशाल भाई टनल भी एक्सपीरियंस कर ही ली दोस्तों ये टनल चलती जा रही है मतलब कितनी आगे तक है। अगर ये टनल यहाँ नहीं होती तो सोचो यार कितना घूम के जाना होता हमारे को डेस्टिनेशन तक, अब ये बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है। सो दोस्तों टनल ख़त्म हो गया, टनल के बाद ये है व्यू। देखो भाई मैं तो पहली बार मनाली जा रहा हूँ तो यार मेरे लिए बिल्कुल नया है, एंड जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे। ये एक्चुअली रिफ्लेक्शन जो पड़ रहा है ना वहाँ से आने वाले बंदों का हेलमेट पे, वो थोड़ा मतलब विजिबिलिटी को थोड़ा सा ब्लर कर देता है। दोस्तों तो यहाँ से मनाली 40-45 किलोमीटर है, एंड पूरा अंधेरा हो गया, सड़क पे कोई लाइट नहीं है, एंड आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ यार, बहुत सुंदर लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि दिन में ये कितना खूबसूरत होगा, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करने वाला है पूरा मनाली, एंड देखते हैं कितना मज़ा आने वाला है। रोहतांग पास चलेंगे, अटल टनल भी चलेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें
एक्सप्लोर करने वाले हैं। आई डोंट नो कैमरे में कैसा दिख रहा होगा, बट इन रियलिटी दिस इज लुकिंग इनसेन। वन इटर्निटी लेटर। हेलो दोस्तों, सो फाइनली यार हम मनाली पहुंच ही गए एंड बिल्कुल अंधेरा हो गया था। अंधेरे में बाइक चलाई एंड थोड़ा डिफिकल्ट था अंधेरे में क्योंकि फॉग लैंप भी नहीं थे बाइक में, बट फॉर्चुनेटली पहुंच गए बिल्कुल। एंड रूम भी हमने ले लिया है, आराम से रूम मिल गया है बहुत ही अच्छे प्राइस पे। तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में घूमते हैं मनाली एंड एक्सप्लोर करते हैं नई नई चीज़ें। थैंक यू सो मच, आई होप आपको राइड पे मज़ा आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।